हर रोज कोई ना कोई खबर आ रही है आपके बारे में पेपर में कि आपका कटरीना से ब्रेकअप हो गया है, आपने डिच कर दिया, यू आर गोइंग अराउंड नरगिस फाकरी। वुड यू कमेंट अबाउट द सेम कि क्या आप क्या कहते हैं आप इन रूमर्स के बारे में, इन खबरों के बारे में? कम ऑन दिया, दिस इज अबाउट पैनासोनिक, वी नो इट, दैट्स व्हाई आई सेड कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, बट यू नो एवरी डे देयर इज अ न्यूज़। जब ये सब खबरें आते हैं पेपर्स में बुरा लगता है, यू नो आई एम श्योर माय पेरेंट्स आर आल्सो लिटिल एंबैरस्ड बाय इट, बट ये इट्स नॉट ट्रू। इफ आई एम इन अ रिलेशनशिप मैं हाइड नहीं करूंगा, रोज मैं अपने आप यू नो अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है, बुरा लगता है। एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे, तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे रोज़ किसी के साथ लिंकअप मत करो। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है मैं खुद आपको डायरेक्टली फ़ोन करके बोलूँगा कि देखो मुझे प्यार हो गया है और मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। रणबीर, आज ही पेपर में न्यूज़ आई है कि आप प्रियंका से थोड़े अपसेट हैं, सो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट, क्या वजह थी, क्या हुआ था? नहीं, ये फिर से बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग है। प्रियंका से मैं अपसेट हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, एंड अगर मैं उसके साथ अपसेट हूँ तो मतलब मेरा कोई स्कोप नहीं है लाइफ में। कई सारे फिल्म स्टार्स हैं जो कि टेलीविजन में कदम रख रहे हैं, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, काफी को-स्टार्स भी हैं, उन लोगों में शामिल हैं। मौका मिले आपको किसी रियलिटी शो को होस्ट करने का, करेंगे रणबीर कपूर? नहीं सर, मेरा यही मानना है कि पहले मैं अपनी जो एक आई शुड जस्ट बी सेटल्ड एज एन एक्टर, यू नो आई जस्ट स्टार्टेड, 3 साल हुए इंडस्ट्री में, तो एक बार वो हो जाए देन आई कैन थिंक ऑफ टेलीविजन। राइट नाउ आई एम अ फिल्म एक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ फिल्म एक्टर। आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं टेलीविजन पर? मैं KBC देखता हूँ, बिग बॉस देखता हूँ, फिल्मों के गाने देखता हूँ, नए ट्रेलर्स देखता हूँ, बट ये सब मैं अपने पैनासोनिक वेरा टेलीविजन पे ही देखता हूँ। रणबीर, जैसे कि आप रॉक स्टार कर रहे हैं विद नरगिस फाकरी, तो क्या आप नरगिस को भी सजेस्ट करेंगे कि वो पैनासोनिक प्रोडक्ट ही यूज करें? मैं सिर्फ नरगिस को नहीं, मैं एक्चुअली पूरी इंडिया को सजेस्ट करता हूँ, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो प्लीज अगर आप घर में भी अगर आप टेलीविजन खरीदना चाहते हो तो पैनासोनिक वेरा ही खरीदिएगा। Thank you so much for being here, lots of love and respect. This is my third year association with Panasonic Viera. It's been a wonderful association. It's a brand which completely believes in its ideologies, believes in the customer's benefits, the customer's pleasure, the customer's every need, and it satisfies all of it. It's a great pleasure that I'm a part of Panasonic Viera's innovative launch of the 3D and LED televisions, and I hope that you guys at least take a look at this television, this thing which is a part of the future. It's just going to open up, it's going to take technology, television to new heights. Thank you so much for being here. Question is to Ranbir as well as to Diya. Being a part of Hindi film industry, what do you feel the technology 3D or kitni safal ho payegi? When we had done this launch last year, when we'd introduced the concept of bringing young students to work with 3D camera, the Panasonic 3D camera, I remember saying then that there's a myth that 3D is only limited to animation. What the films made by these young film school students has done is that the first thing it's done is to dispel that myth. 3D is not just about animation. 3D can be shot with live film as well. I think you're right in saying that it is a newer technology. I think as ambassadors of Panasonic, we can only hope that people embrace this technology and believe in it just as much as we do. What Panasonic does is just gives you that meat. If it's 2D or 3D, in whatever way you can tell your story, the better way to engage an audience, to enhance the experience of cinema viewing. And I think Panasonic is giving that infrastructure. It's giving, you know, the setup, the technology, just to provide with something which a director or a storyteller can engage an audience. Even. So I think it's as simple as that. Cinema basically storytelling, sir.
खबर आ रही है आपके बारे में पेपर में कि आपका कटरीना से ब्रेकअप हो गया है, आपने डिच कर दिया, यू आर गोइंग अराउंड नरगिस फाकरी, वुड यू कमेंट अबाउट द सेम, कि क्या आप क्या कहते हैं आप इन रूमर्स के बारे में, इन खबरों के बारे में? Come on, Diya. This is about Panasonic. We know it. That's why I said ki ye platform nahi hai, but you know, every day there's, okay. there's a news. Dekhiye, main ek film actor hoon. Mera kaam hai acting. Main filmon mein kaam karta hoon. Main brands endorse karta hoon, the brands I believe in. And I truly believe ki an audience will like me if I'm a good actor, if my movies are good. Jab ye sab khabrein aate hain papers mein, bura lagta hai. You know, I'm sure my parents are also a little embarrassed by it. But yeah, it's not true. If I'm in a relationship, main hide nahi karunga. रोज मैं अपने आप यू नो अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है, बुरा लगता है. एंड मुझे अभी डर लगता है कि मैं बाहर अगर अपने दोस्त के साथ भी डिनर के लिए जाऊँ तो शायद मुझे उसके साथ लिंक कर दे, तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल. तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि प्लीज़ मुझे रोज़ किसी के साथ लिंकअप मत करो. अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मैं खुद आपको डायरेक्टली फ़ोन करके बोलूँगा कि देखो मुझे प्यार हो गया है और मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ. रणबीर, आज ही पेपर में न्यूज़ आई है कि आप प्रियंका से थोड़े अपसेट हैं, सो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट, क्या वजह थी, क्या हुआ था? नहीं, ये फिर से बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग है. प्रियंका से मैं अपसेट हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है. एंड अगर मैं उसके साथ अपसेट हूँ तो मतलब मेरा कोई स्कोप नहीं है लाइफ में. तो ये बिल्कुल गलत बात है. मैं अभी उसको फोन करूंगा और स्मार्ट वेरा के बारे में बताने वाला हूं. आई एम श्योर शी विल बाय द टेलीविजन आल्सो, बट नो, इट्स जस्ट स्टूपिड बेसलेस. कई सारे फिल्म स्टार्स हैं जो कि टेलीविजन में कदम रख रहे हैं, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, पे काफी को-स्टार्स भी हैं, उन लोगों में शामिल हैं. मौका मिले आपको किसी रियलिटी शो को होस्ट करने का, करेंगे रणबीर कपूर? नहीं सर, मेरा यही मानना है कि पहले मैं अपनी जो एक आई शुड जस्ट बी सेटल्ड एज एन एक्टर. You know, I've just started, 3 years हुए इंडस्ट्री में, तो एक बार वो हो जाए, then I can think of television. Right now, I'm a film actor and I'm very happy being a film actor. रणबीर, जैसे कि आप रॉक स्टार कर रहे हैं with नरगिस फखरी, तो क्या आप नरगिस को भी सजेस्ट करेंगे कि वो पैनासोनिक प्रोडक्ट ही यूज करें? मैं सिर्फ नरगिस को नहीं, मैं एक्चुअली पूरी इंडिया को सजेस्ट करता हूँ, मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ. तो प्लीज, अगर आप घर में भी अगर आप टेलीविजन खरीदना चाहते हो तो पैनासोनिक वेरा ही खरीदिएगा. हाय रणबीर, आज आप बहुत डिफरेंट लुक में लग रहे हैं, क्या ये बर्फी का लुक है आपका? नहीं मैडम, क्या है कि एक महीने से मेरी बेरोजगारी चल रही है, कुछ काम नहीं है. आई हैवन शॉट अ मूवी सिंस 1 month, तो ऐसे ही नई नई चीजें ट्राई करता हूँ. खुद के फेस में बोर्ड हो जाता हूँ, तो ये कोई लुक वुक नहीं है, बस मेरा जो क्लिपर था वो जो मैं चार्ज पे मैंने डाला था वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो इतना बच गया है. बट मैं घर जाके निकाल दूंगा, सॉरी. आप कह रहे हैं कि एक महीने से आप फ्री हैं, बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है, तो क्या डेली रूटीन होता है, क्या दिनचर्या होती है आपकी रोज? नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ दांत, नाश्ता खाता हूँ, फिर मम्मी पापा अगर घर पे तो उनके साथ लंच करता हूँ, फिल्म देखता हूँ, जिम जाता हूँ, और रात को आता हूँ, फिर से अपने पैनासोनिक वेरा टेलीविजन पर डीवीडी देखता हूँ, सो जाता हूँ. आप सबसे ज्यादा क्या देखते हैं टेलीविजन पर? मैं KBC देखता हूँ, बिग बॉस देखता हूँ, फिल्मों के गाने देखता हूँ, नए ट्रेलर्स देखता हूँ, बट ये सब मैं अपने पैनासोनिक वेरा टेलीविजन पे ही देखता हूँ. बचपन से आप टीवी देखते आ रहे हैं, और टीवी आज के टाइम इस तरह से हो गई कि फेसबुक, स्काइप एंड दुनिया भर की चीज़ें आप कर सकते हैं. फेसबुक पे आप किस आईडी के साथ हैं एग्जैक्टली? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं फेसबुक या ट्विटर पे नहीं हूँ. मैं था फेसबुक में, लेकिन मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं फेसबुक पे नहीं जाऊँगा. बट ऑफकोर्स विद पैनासोनिक की जो नया स्मार्ट वेरा टेलीविजन विद द लॉन्चिंग, ये सब इन्हांस करता है, यू नो, योर एक्सपीरियंस, व्यूअर्स एक्सपीरियंस, जब वो इंटरनेट में जा सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, दे कैन सी यूट्यूब वीडियोस, स्काइप है, तो ऑल दीज न्यू एप्लीकेशंस जो विच वेरा हैज टाइड अप विद, इट ओनली इन्हांस द व्यूअर्स एक्सपीरियंस. एंड बचपन से जब आप टीवी वगैरह जब देखते थे पैनासोनिक? सर, बचपन में तो सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, इतने सारे चैनल्स नहीं थे. आज तो 3D है, सॉफ्टवेयर है, 3D फिल्म्स है, DVDs है, तो ऑफकोर्स द मीडियम हैज जस्ट गॉन टू अनदर लेवल. सी, आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हाट हैज ऑलरेडी डन इज पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. यू कैन नॉट रियली चेंज इट एंड एनहांस इट, बिकॉज दैट वाज दैट डायरेक्टर्स विजन. ही मेड इट इन ब्लैक एंड वाइट, ही मेड इट इन अ पर्टिकुलर वे. यस, इट डज वर्क फॉर सम पीपल, बट आई ट्रूली बिलीव दैट वंस इट्स डन फॉर पोस्टेरिटी एंड वी शुड नॉट फिडल विद इट. यस, टुडे वी हैव द मीडियम, वी हैव द फैसिलिटीज, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू एनहांस आवर मूवी मेकिंग, बट लेट्स जस्ट लीव द यू नो द क्लासिक्स एंड द हिस्ट्री to the way they are, because they are those classic films because of the way they've been shot, because of the way they've been perceived by an audience. So I believe that too. There's also some talk in the newspapers today about how the family is looking at you to revive the RK films. Is that true, and are you working towards it? I'm part of this family. It's an utmost priority for me to make a movie for RK films. Jaise maine kaha tha, you know, it's what I've been born to, you know, it's my topmost priority, and I truly hope that I get the opportunity to make a movie. You know, audience comes and, you know, gives the movie a chance, they like the film, and in that way, you know, like you say, RK will be resurrected.
I don't think it was ever not resurrected. I think it's deeply imprinted in a lot of people's hearts, minds. So I'm just going to continue with the tradition of making movies. As an ambassador of Panasonic and the face of the brand, what are you both expected to do in future also, whether it will be limited only to public appearances or even in the films in which you will be coming? Will you be promoting Panasonic in some way or the other? You know, once you're a part of the family, then the family just extends. The truth is that my association with Panasonic is as their eco ambassador. I promote their eco ideas. I get involved with practically every product that is eco-friendly. And we do several ground activities. We're hoping to do a lot more to encourage eco ideas in lifestyle and industrial choices. There are some very wonderful things that Panasonic has done and is hoping to do. One of our missions is that by the year 2013, in the Asia-Pacific region alone, we would have saved close to 5 crore tons of carbon emission. These things, these facts, this challenge, this kind of work that Panasonic has undertaken and believes in is what drives me as an ambassador and makes me feel very proud to be associated and involved with the company. I'm sure Ranveer's answer might be slightly different from mine. Dekhiye, I endorse Panasonic Vera. So Panasonic mujhe kahe ki aapke ghar jaye, aapko TV dikhaye, ek salesman ban jaye, main kar lunga, because I believe in this brand, I believe in the products, believe in the ideas, and genuinely ये लाइन सिर्फ ऐसे इफेक्ट ले नहीं डाला है, इट इज आइडियाज फॉर लाइफ. सो यू नो इट्स अ ब्रांड वर्थ रियली. आई थिंक व्हाट वी बोथ आर ट्राइंग टू से इज दैट वी बोथ बिलीव इन व्हाट वी डू एंड आवर एसोसिएशन विद दिस ब्रांड इज प्योरली बिकॉज़ वी बिलीव इन द ब्रांड.